क्यों? क्योंकि इस रासायनिक खेती ने हमारी धरती को खराब किया, हमारी प्रकृति को खराब किया, हमारी संतति को खराब किया, हमारी संस्कृति को भी खराब किया। आने वाली संतान तकलीफदायक रूप से पैदा होगी, उसको पता नहीं कितनी किस्म की बीमारियां आते चली जाएंगी, ये कीटनाशक और ये रासायनिक खाद उत्पादित करते चले गए तो। और अगर आप जैविक खाद उत्पाद लगाते हैं, अपने खेत में डालते हैं, तो आपके जमीन का स्ट्रक्चर, इसका टेक्सचर और इसकी जल अवशोषित करने की क्षमता ये जो है बढ़ते चली जाएगी और बाढ़ भी कम होगी, क्योंकि रासायनिक खाद डालने से जो उसका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो जाता है और पानी जब आता है तो बह जाता है, लेकिन जहां केचुआ खाद डालेंगे वहां पर जो है और कभी भी पानी जो है उसका बह करके नहीं जाएगा। पूरी बड़ी कैसी विडंबना है कृषि प्रधान देश में कि कलेक्टर अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहता है, वैज्ञानिक अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाना चाहता है ना, राजनेता अपने बेटे को राजनेता बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन किसान अपने बेटे को किसानी नहीं करने देना चाहता। वो बोलता है कि बेटा मैं तो फंस गया, तू तो चार शब्द पढ़ ले और निकल जा। आज किसान ये चाहता है कि उसका बेटा कैलिफोर्निया में और लंदन में रहे, है ना, खेती करने के लिए अपने बेटे को इंसिस्ट नहीं करता। लेकिन दूसरा तथ्य, दूसरी विडंबना ये भी है कि जो है किसान का लड़का डॉक्टर बन सकता है, किसान का लड़का कलेक्टर बन सकता है, किसान का लड़का इंजीनियर बन सकता है, किसान का लड़का नेता बन सकता है, लेकिन किसी डॉक्टर के लड़के को अगर कहो कि खेती कर लो तो वो खेती नहीं कर सकता।